नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जालौन में यूपी सरकार पर गरजे अखिलेश, बोले पहले चरण में ही ठंडे पड़ गए गर्मी निकालने वाले। अखिलेश का सीएम योगी पर हमला। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में आज से चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा, जिसको लेकर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं यूपी के जालौन में अखिलेश यादव माधवगढ़ में प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि गर्मी निकालने की बात करने वाले पहले ही चरण में ठंडे पड़ गए हैं। बता दें कि 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर पार्टियां अपनी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। पहले और दूसरे चरण के मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि सपा ने पहले ही चरण में अपनी बढ़त बढ़ा ली थी, वहीं दूसरे चरण में शतक पार कर दिया और तीसरे और चौथे चरण के मतदान में सपा दोहरा शतक भी पार कर देगी। बुंदेलखंड में सपा को सबसे ज्यादा जनसमर्थन मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों को 5 सालों में सिर्फ धोखा दिया है। नोटबंदी के समय सरकार ने गरीबों का पैसा बैंक में जमा करा लिया और उसी पैसे को देश की पूंजीपति लेकर भाग गए। यह सरकार गरीबों के पैसे से अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के नेता थूक लगाकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, वह भी बंद हो गया। लोग उन्हें लाल सिलेंडर दिखाकर भगा देते हैं। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, किसानों को खाद की किल्लत होती है, गौशालाओं के नाम पर सिर्फ पैसा लूट रही है सरकार। कानून व्यवस्था पर उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं और 25,000 का इनामी बदमाश इनकी सरकार में खुलेआम मैच खेल रहा है। कानून व्यवस्था की बात करने वालों के राज में ही महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। जालौन में भी 2 दिन पहले बच्ची लापता हो गई और बाबा झांसी में सो रहे थे। सबसे ज्यादा अपराध यूपी में है। महिलाएं भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, इसके राज में IPS भी फरार है। और कमाई आधी कर दी, महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जब खाद की बोरी लेने गए होंगे, डीएपी की बोरी लेने गए होंगे किसान भाई, बताओ बोरी मिल गई आपको खाद की कि नहीं मिली? और जब बोरी लाए भी होंगे तो उसमें भी 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी केवल खाद में नहीं हुई है। याद कीजिए, आपके ऊपर 2017 में नोटबंदी कर करके बताओ आपके पैसे को बैंकों में जमा करा लिया और बाद में बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं? भाग की रखवाली के बाद अपने घर आ रहे थे लौट करके, सांड ने उन्हें सींग मार करके वहीं पर मार दिया। मैनपुरी गया तो वहां पे मार दिया और जालौन झांसी कहीं पता कर लो और बड़े पैमाने को उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब लगा लो, न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड की वजह से और अन्य जानवरों की वजह से। एक्सीडेंट होकर के नजारे कितनों की जान चली गई। न केवल ये सरकार गौशाला के नाम पर पैसा लूट रही है, गौशाला में भूखी हमारी गाय मां, बताओ भूखी है कि नहीं है? और हजारों करोड़ रुपए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीटीवी न्यूज चैनल के साथ।